purchase your tracks today. तो गाइस मैं आज आपको बताऊंगा Xiaomi डिवाइस के लिए ऐसे एक बेस्ट थीम जिसे ट्राई करके आप अपने Xiaomi डिवाइस में MIUI यूज करने का अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसे और एक लेवल तक जरूर से कस्टमाइज एंड जरूर से इंक्रीज कर सकते हैं। सो देखते रहिए इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिप्शन पे इस थीम का लिंक डाउनलोड लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहे तो वहां से जाके इस थीम को काफ़ी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन आप चाहे तो यहां पर से थीम के स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस थीम का जो नेम होगा GREELIV ग्रीलिफ TT, तो सिंपली आपको प्ले यहाँ पर थीम के स्टोर पर जाना होगा एंड देन सर्च करना होगा ग्रीलिफ TT। तो सर्च करने से आपको जो फर्स्ट नंबर पर रिजल्ट मिलेगा आपको सिंपली उसे डाउनलोड कर लेना है। सो काफ़ी अच्छी थीम है और इसका साइज 5.7 MB है और एक काफ़ी अच्छे स्टाइलिश थीम है। सो यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपली इसे अप्लाई कर देना होगा। अप्लाई हो जाने के बाद आपका जो होम स्क्रीन सेटअप है काफी सिंपल सा और काफी मिनिमल आपको देखने में लग जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो होम स्क्रीन सेटअप है काफी इंटरेस्टिंग सा आपको मिल जाता है और यहाँ पर जो क्लॉक का आइकन है एंड देन जो क्लॉक का विजिट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉक का जो विजिट है वो काफी अच्छी तरीके से मिनिमल और कस्टमाइज किया गया है जो कि देखने में काफी अच्छा और काफी बेहतरीन लगता है। सो यहाँ पर इसका जो आइकन साइज मिलता है वो भी काफी अच्छा और काफी हैंडी लुक प्रोवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पर आइकन जाता है काफी छोटा छोटा स्मॉल में आपको आइकन क्रिएटिव आइकन देखने को मिल जाता है जो कि अपने डिवाइस के लुक को और हैंडी तरीके से यूज करने में जरूर से एक लेवल ऊपर करने में जरूर मदद कर देता है। सो यहाँ पर आपका जो स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर ऐप ड्रॉयर को आप सिंपली स्क्रॉल करेंगे तो अपना जो वॉलपेपर है वो एक आपको लाइव वॉलपेपर मिल जाता है जो कि एक 3D इफेक्ट के साथ घूमता रहता है जो मुझे काफ़ी अच्छा और काफ़ी फेवरेट लगता है। और यहाँ पर जो 3D लाइव वॉलपेपर का कलर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ग्रीन वाइश आपको यहाँ पर थीम देखने को मिल जाता है। और सिंपली मैं यहाँ पर इसका डायल पैड आपको दिखा देती हूँ, उसका जो डायल पैड मिलता है वो आपको ब्लू वाइश डायल पैड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ पर से मैं सिंपली यहाँ पर इसका मैसेजिंग का टैप ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैसेजिंग का टैप को ओपन करेंगे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी खूबसूरत सा आपको यहाँ पर मैसेजिंग टैप देखने को मिल जाता है। सो ये थीम तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्रिएटिव एंड काफ़ी कस्टमाइज किया गया है इस थीम में। एंड देन यहाँ पर मैं सिंपली इसका लॉक स्क्रीन दिखा देती हूँ। इसका जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक मिलता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आई। इसका जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक का स्टाइल है वो आपको एनालॉग क्लॉक में मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। एंड देन जो यहाँ पर टाइम एंड डेट का यहाँ पर डेट एंड डे का यहाँ पर फीचर है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर डे आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से कस्टमाइज किया गया है इसका लॉक स्क्रीन को। एंड देन जो इसका लॉक स्क्रीन का एनिमेशन है आप सिंपली एक एक सेकेंड में आपका जो लॉक स्क्रीन एनिमेशन है वो चेंज होता रहता है और जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सिंपली आप यहाँ पर फ़ोन को अनलॉक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर स्वाइप अप करेंगे तो अपना जो लॉक स्क्रीन एनिमेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एनिमेटेड होकर आता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो लॉक स्क्रीन मिलता है वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आई है और यहाँ पर सिंपली इसका जो पूरा लॉक स्क्रीन एंड पूरा थीम का जो कॉम्बिनेशन है वो तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। आपको इस संडे इस थीम को एक बार जरूर से ट्राई करनी चाहिए और ये थीम कैसा लगा मुझे कमेंट में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। सो अगर आपको ये थीम का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, ने लाइक कर दिया। सो थैंक यू सो मच। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।